हे गाइस, वेलकम एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल स्टाइलिश ब्यूटीफुली। आज की इस वीडियो में दिखाएंगे कि कैसे ट्रबल में आ गई हैं ऐश्वर्या राय बच्चन, क्योंकि ईडी ने उनको समन किया है पेपर लीक केस में जो कि है पनामा के। ऐश्वर्या राय बच्चन पर एलिगेशन लगे हैं फ्रॉड और टैक्स इवेशन के। आपको बता दें 2006 में भी इन पर ये एलिगेशन लगे थे और इन्हें समन किया गया था, और अभी 2021 पे फिर से इन पे एलिगेशंस लगे हैं। आपको बता दें ईडी ऑफिस में जल्दी अपेयर होंगी ऐश्वर्या राय बच्चन, और कब होंगी ये भी हम आपको अपडेट दे देंगे। सो गाइज़, आज तक ऐश्वर्या राय बच्चन बहुत ही कम कंट्रोवर्सीज में आई हैं। आई होप ये भी जल्दी ही सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न है। ऐश्वर्या राय बच्चन हाल ही में गई थी पेरिस फैशन वीक में, और उधर उन्होंने रैंप वॉक भी की थी लोरियल की तरफ से। फिर उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेशन किया था अपनी बेटी आराध्या बच्चन का 10th बर्थडे सेलिब्रेशन मालदीव्स में, और फिर मुंबई रिटर्न आ गई थी। और आके वो लग गए हैं अपने प्रोफेशनल काम में, क्योंकि उनकी मूवीज़ आ रही हैं। सबसे पहले वो कर रही हैं अभिषेक बच्चन के साथ गुलाब जामुन मूवी, उसके बाद एक मणि रत्नम के साथ कर रही हैं, वो भी काफ़ी हद तक शूटिंग कंप्लीट हो गई है और जल्दी रिलीज़ होने वाली है। और हाल ही में उन्होंने अनाउंसमेंट की थी अपने नए हॉलीवुड प्रोजेक्ट की। लेकिन गाइस, देखते हैं कि ये ट्रबल कब सॉल्व होती है ऐश्वर्या राय बच्चन की लाइफ से। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा। शेयर, सब्सक्राइब, थैंक यू।